पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे समाज सेवी संस्था चलाए जा रहे हैं, जिसमें भोजन का व्यवस्था किया गया है और बहुत से लोगों की खाना आपूर्ति किया जा रहा है, सूखा भोजन और भोजन बनाकर भी परोसा जा रहा है। इसी तौर पे एक और संस्था यहाँ पे चलाया जा रहा है हरमू विद्यानगर में, यमुनानगर रोड नंबर 5 में। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ लोग अपनी लाइन बना कर भी खाना लेने आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ हर दिन हर प्रकार के भोजन परोसा जाता है, हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन परोसा जाता है। जैसे देख पा रहे हैं अभी कितना बार खाना बन चुका है, यहाँ दो टाइम बन चुकी है, चौथा बार बन चुका है, मतलब 60 किलो खाना बन चुका है चावल का। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भोजन तैयार किया गया है, स्वच्छता का भी बहुत अच्छा से चावल इधर बढ़ाइए ना, हम नहीं खाएंगे बोल दिया। देख पा रहे हैं आलू का सब्जी है और दाल बनाया गया है और लोग यहाँ पे भोजन लेने आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं खाना लेने? यमुना नगर से। और कहाँ नंबर रोड पर? सात नंबर रोड से आया है ना। और अभी आए हैं और कभी आए थे यहाँ पे? क्या बताया गया यहाँ कितना दिन तक खाना मिलेगा? कोई नहीं, बच्चा लोग हमको तो बतलाए कि खाना मिल रहा है तो इसीलिए आ गए, पता नहीं कितना दिन तक जितना दिन बन रहे उतना दिन मिले अच्छा है। और इस संस्था का व्यवस्था जो किए हैं श्रीमान शंकर यादव जी हैं, आइए उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। नमस्कार सर, आप क्या क्यों व्यवस्था कैसे किए हैं, क्या सोच था आपका? ये सोच था जो अभी पूरा गरीब परिवार इस जगह है रेंट में रहने वाला, चाहे गरीब तबके के लोग हैं, ये लॉकडाउन को देखते हुए बहुत लोगों का परेशानी है, वो परेशानी के देखते हुए जन सहयोग से ये काम हो रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ही चलते रहेगा। तो इसमें किस टाइप के आदमी मदद के लिए आते हैं? जो ये जन सेवा माने कि सामाजिक, जो भी सामाजिक आदमी है, जहाँ समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के प्रति जिनका भाव है, उस हर आदमी फोन करके बुला रहे हैं भैया हमारा पास आइए, हम सहयोग दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से मिल रहा है तुरंत जाते हैं और लेके आते हैं। और इसमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है? हाँ, मुश्किल का सामना, हाँ वो सामना जो करना पड़ रहा है, बाकी हम लोग का जहाँ है समाज है, समाज में हर आदमी एक्टिव है और किने काम है से एक्टिव रहेंगे, जब तक किने काम है से ही लॉकडाउन है तब तक ही व्यवस्था चलता रहेगा समाज के। तो ये शंकर जी थे जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं इनका, जो इनके थ्रू स्टार्ट किया गया है, व्यवस्था किया गया है और सूखा भोजन का भी वितरण किया गया है कुछ, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होता था कि गैस नहीं है या कोयला जो बनाते हैं कोयला व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, जिसको देखते हुए शंकर जी ने ये डिसाइड लिया है कि हम यहाँ भोजन बना करके लोगों को परोसें। और देख पा रहे हैं कि जितना भोजन बन रहा है, दिन भर लोग अपना लाइन बना करके खाना लेने आ रहे हैं दिन भर, और यहाँ लगातार भोजन बनाया जा रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे गैस चढ़ा हुआ है, यही से काठी इसको रखेगा। देख पा रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और खाना लेके जा रहे हैं, इसमें लाइन बनाया गया है सबको, दूरी बाय दूरी बना करके खाना दिया जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र कुमार के साथ मैं दीपक कुमार,